हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोन टू ट्रैवलर। सो गाइस, इसी के साथ आज दिन है सैटरडे, दोपहर के बज गए 3 और आज हम जा रहे हैं काम पे एज़ यूजुअल। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आज ठंड लगनी नहीं है हमको ज़्यादा। और साथ ही साथ आज मैंने नई शर्ट पहनी है, तो पहले ही मुझे दो लोगों ने बोल दिया शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तो अब चलते हैं आगे और जाके अपने लिए लेते हैं चाय सबसे पहले, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरे पास समय था घर में चाय बनाने का, बट मैंने बनाया नहीं। सो अब बाहर ही जाते हैं, सीधा बाहर से चाय लेंगे और सीधा वहाँ से काम पे। सो गाइस, इसी के साथ मैंने गोप्रो का स्ट्रैप ले लिया आज। सो आज मैं आपको थोड़ा अंदर के सीन दिखा सकता हूँ इस स्ट्रैप के साथ। ये स्ट्रैप यहाँ लगता है छाती में और ये गोप्रो फिर उससे अटैच होके ऐसा आता है, ये गोप्रो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और फिर बढ़िया सीन हो जाता है। इसी के साथ मैं डिलीवरी लेने आया था, सामने मैंने ये बाइक देखी, देखो कितनी प्यारी बाइक लग रही है ये। तो ये प्लाजे में आया था मैंने डिलीवरी लेने यहाँ पे। सो ये होंडा की मुझे बाइक दिखी फुल कस्टम, जिसमें स्पीकर सब होता है। क्या क्यूट बाइक है ना। देखो कोई अपने डॉगी को कार में बंद कर गया था। तो जैसे कि आपने देखा उसने डॉग को कार में छोड़ा हुआ है। अगर किसी ने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो पुलिस ने आते ही उसने पुलिस ने कुछ नहीं ढूंढना है, ओनर ने ढूंढना है, सीधा उन्होंने कांच तोड़ देना और डॉगी को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ऐसी रूल होता है यहाँ पे। आप बच्चे को और डॉगी को और किसी भी जानवर को कार में नहीं छोड़ सकते, स्पेशली गर्मी के टाइम में। अगर छोड़ना है तो एसी ऑन होनी चाहिए, वेंटिलेशन चलता होना चाहिए, तो उनको प्रॉपर गर्मी ना लगे, सांस आए पूरी और उनको कुछ हो ना। मुझे लगी थी भूख, तो मैं खाने आ गया बिरयानी यहाँ पे या कुछ भी खाने को मिल जाए मेरे को अच्छा सा। सो वही मैं देख रहा हूँ जी। नहीं नहीं, थैंक यू अंकल जी, नहीं ड्रिंक नहीं चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ मैं आया था अंगीठी, ये देखो पूरा सामान पड़ा है। सो मैंने लिया चिकन राइस एंड ये वाला चिकन बिरयानी। ये अंकल जी यहाँ पर। तो गाइस, ये रेस्टोरेंट में आया था मैं खाने के लिए, ये सामने में जो आपने अभी देखा, अंकल इंडियन ही है और इंडियन ही है, पाकिस्तानी अपने हैगे, अपने एशियन ही है वो। सो उन्होंने नया नया रेस्टोरेंट खोला, 15 दिन हुए हैं और मैंने लिया चिकन करी, साथ में उन्होंने लिया सैलेड, साथ में उन्होंने लिया एक पीस चिकन ब्रेस्ट का मेरे को टेस्ट करने के लिए, तंदूरी रोस्ट या तंदूरी आई गैस, हम तो मैंने टेस्ट नहीं किया, साथ में ये स्पाइसी चटनी। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन ही हुए रेस्टोरेंट को खुले, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। $10 का पूरा आया मेरे को ये सामान, तो इट्स नॉट चीप, लाइक काफ़ी क्वांटिटी है। $10 में उन्होंने मुझे काफ़ी क्वांटिटी दे दी, साथ में सैलड दे दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी क्वांटिटी होगी, साथ ही साथ ये चटनी भी फ्री में दे दी मेरे को, तो ये अच्छी बात है। तो चलो मैं अपना लंच करता हूँ, फिर आगे जाएंगे ऑर्डर लेने। मेरे को ऑलरेडी ऑर्डर आ गया $14 का, दारू का ऑर्डर है एल्कोहल, तो वो डिलीवर करना है। सो इसके साथ मैं जल्दी से लंच ख़त्म करता हूँ, फिर हम आगे निकलते हैं। मैं आया हूँ ऑर्डर लेने बटर चिकन एंड रोटी। तो यहाँ पे हमने अपनी वीडियो भी बनाई है और जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जाके वीडियो चेक करो, लिंक हमें ऊपर दे रहा हूँ। देखो जब भी कोई इमरजेंसी होती है ना, सबको साइड होना पड़ता है, रुकना पड़ता है। सारा ट्रैफिक रुक गया अभी यहाँ। कनाडा में ये रूल है, जब भी कोई पुलिस वाला या कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड, इन तीनों की सायरन जब चालू हो जाए और इनकी लाइट चालू हो, तो आपको तुरंत राइट तरफ मूव होना है, बीच का भी सारा क्लियर कर देना है, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो सकती है। इस करके अभी आपने देखा सारा ट्रैफिक रुका हुआ था, सिर्फ वो अकेली जा रही थी जो कार थी फायर ब्रिगेड वाली सुपरवाइजर की, कहीं पे आग लगी होगी तभी सुपरवाइजर सबसे पहले पहुँचता, उतनी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुँचती और सब पहुँचते हैं। इसी के साथ गैस भराते हैं और एक दो ऑर्डर और है वो डिलीवर करते हैं, फिर आगे देखते हैं आज घर जल्दी जाएंगे कि आज घर लेट जाएंगे, इसके हिसाब से अब आपको आगे पता लगेगा। के बच चुके हैं पूरे 10 और अभी मैं उबर चला रहा था, साथ ही साथ में गैस की ज़रूरत थी, तो अब गैस डला रहा हूँ। 2 दिन पहले हमने डलाई थी, आपने व्लॉग में देखा होगा यहीं से, तो फिर से वहीं से डला रहे हैं हम। आज देख लो, आज ना भीड़ नहीं है, सैटरडे के हिसाब से माहौल बहुत ज़्यादा खाली है, देख लो सब जगह लाइक एकदम इकोनॉमी माहौल है, ज़्यादा माहौल नहीं है।
चुका है। इसी के साथ मैं आ गया हूँ अपने घर। अभी रात के बज रहे हैं पूरे पूरे 12 और आज मैं जल्दी आ गया एक घंटे पहले, क्योंकि मेरे को एक ऑर्डर आया जो मेरे घर के जस्ट पीछे ही था, मुझे भी नहीं पता था। मैंने बस ऑर्डर लिया और मैं ड्रॉप करने आ रहा था, तो बाद में देखा कि तो मेरे घर के पीछे में ही है। अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ डाउनटाउन टोरंटो से कम 15 किलोमीटर, मैं क्या अब क्या जाना, फिर अब घर ही चलते हैं। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और अभी अभी मैंने खाना अपना ऑर्डर कर दिया, क्योंकि भूख लग रही है। आज घर से नहीं, आज बाहर से खाएंगे। कहीं बाहर से मैंने मंगाया है, कढ़ाई पॉइंट करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने मंगाया है मगज, यानी कि ब्रेन मसाला प्लस रोगनी नान करके होती, जिसमें तिल लगे होते हैं, बहुत ही अच्छा। साथ ही साथ इसके साथ मैं जा रहा हूँ शावर लेने। अब मैं सीधा शावर लेता हूँ, शावर लेने के बाद आपको सीधा मिलूँगा। सो गाइस, इसी के साथ फाइनली आज की वीडियो की भी एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही साथ आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। सो मे भी आज मैं जल्दी सो जाऊँ। ये वीडियो एडिट करने के बाद मैं एक आध मूवी देखूँगा, अगर मन किया तो ठीक है, अदरवाइज एक आध फीफा का मैच खेल के हम सो जाएंगे। और साथ ही साथ चलो ये वीडियो को मैं भी पोस्ट करता हूँ फाइनली। और इसी के साथ ये व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। गाइस, कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। मैं स्ट्रैप लेके गया था गोप्रो का, बट कोई रीज़न की वजह से मैं शूट नहीं किया आज। बाकी वह कल के व्लॉग में देखना, कल दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। बाकी साथ ही साथ में वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। ऐसी प्यार देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और बहुत जल्द आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।